मुंबई में बेंगलुरु और समानांतर रूप से ड्रग केस की जांच चल रही है और जिस तरह से मुंबई में बॉलीवुड के कई सेलेब्स और ड्रग कार्टल चलाने वाले गिरोह का नाम सामने आया है, तो वही बेंगलुरु में भी ड्रग केस को लेकर कई दिनों से छापेमारी चल रही है। और अब इसी मामले में बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय के घर पर भी बेंगलुरु पुलिस ने छापेमारी की है। कल दोपहर 1 बजे बेंगलुरु पुलिस के 2 इंस्पेक्टर विवेक ओबेरॉय के घर पहुंचे और छापेमारी की शुरुआत की। दरअसल पुलिस विवेक ओबेरॉय के साले आदित्य अलवा के मामले की जांच कर रही है। विवेक ओबेरॉय का घर मुंबई के जुहू में है। छापेमारी को लेकर एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आदित्य अलवा फरार है और जानकारी मिली है कि आदित्य अलवा विवेक ओबेरॉय के घर में छुपा है और आदित्य को ही ढूंढने को लेकर यह छापेमारी की गई है। इस मामले में कोर्ट से वारंट लिया गया है और क्राइम ब्रांच की टीम बेंगलुरु से मुंबई पहुंची। बेंगलुरु पुलिस ने आदित्य अलवा के घर पर भी तलाशी ली है। आदित्य अलवा कर्नाटक के पूर्व मंत्री जीवराज अलवा के बेटे हैं। उन पर कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों को कथित तौर पर ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप हैं। इस केस में क्राइम ब्रांच की टीम कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी सहित कुछ ड्रग पेडलर्स को भी गिरफ्तार कर चुकी है। इस तरह से अब ड्रग केस की जांच में विवेक ओबेरॉय का नाम भी जुड़ गया है।